गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्लासरूम असाइनमेंट 3। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बैंडीकूट मास्कूट। द रैपिड ईयर बैंडीकूट इज फाउंड ओनली इन ए फ्यू आइसोलेटेड पॉकेट्स ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। मध्य एशिया की जो एकांत वाली जगह हैं वहाँ पर रैपिड के जैसे कानों वाला बैंडीकूट पाया जाता है। इट हैज़ बीन चूजन बाई द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एज ए मास्कोट टू रिप्रेजेंट ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज इन दैट कंट्री। और इसे ऑस्ट्रेलियन सरकार द्वारा चुना गया एज ए मास्कोट शुभंकर के रूप में टू रिप्रेजेंट, जो प्रदर्शित करता है ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज इन दैट कंट्री, देश की सभी विलुप्त होने वाली प्रजातियों को। बैंडीकूट इज अ टाइप ऑफ माउस, अ ग्राउंड ड्वेलिंग मार्सुपियल विद अ लॉन्ग पॉइंटेड हेड। और यह जमीन पर रहने वाला मार्सुपियल होता है प्राणी, या जमीन पर रहने वाला प्राणी की एक लंबा नुकीला सिर होता है द बिल्बी। एज इट इज नोन लोकली, और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, बिल्बी। हैज सिल्की ब्लशी ग्रे फर एंड अ लॉन्ग ब्लैक टेल विथ ए वाइट ब्रश लाइक टिप। और इसकी एक रेशमी नीले ग्रे रंग के फर होते हैं, बाल होते हैं, एंड ए लॉन्ग ब्लैक टेल, और एक लंबी काली पूंछ होती है विद ए वाइट ब्रश लाइक टिप, जिसकी जो टिप है यानी कि जो सिरा है पूंछ का वो कैसा होता है, वाइट होता है, लाइक इट्स कज़न, और अपने कज़न की तरह ही। द कंगेरू इट हैज स्टर्डी हिंड लेग्स फॉर होपिंग। और कंगारू की तरह ही इसकी भी जो पिछली टांगे हैं उनका यूज ये होपिंग के लिए करता है, उछलने के लिए, जो काफ़ी मजबूत होती हैं। इट्स फोर फीट आर अडेप्टेड फॉर डिगिंग। और ये अपने अगले जो पाँव है या पैर हैं उनका प्रयोग डिगिंग के लिए करता है, खोदने के लिए। विद स्ट्रॉन्ग क्लास ऑन द सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टॉस, क्योंकि इसकी जो उंगलियाँ हैं दूसरी तीसरी और चौथी उनके जो क्लास है पंजे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट लिव्स इन ए डीप स्पाइरल बुरो ड्यूरिंग द डे, और ये दिन के दौरान अपने गहरे बिल में रहता है। वेंचरिंग आउट ओनली एट नाइट, या केवल रात को ही बाहर निकलता है। टू डिग फॉर सीड्स, बीजों को खोदने के लिए। बल्ब्स फ्रूट एंड फंगई, या फिर फ्रूट और फंगई या फिर बल्ब को ढूंढने के लिए। फॉर टू सीक आउट इंसेक्ट्स एंड लिजार्ड्स विद इट्स पॉइंटेड स्नाउट एंड लॉन्ग टंग, और ये तलाश करता है इंसेक्ट्स की, कीट पतंगों की या फिर कीड़ों की, लिजार्ड छिपकली की, विद इट्स पॉइंटेड स्नाउट, अपने नुकीले थूथन से और लंबी टंग से, जीभ से। इट हार्डली नीड्स टू ड्रिंक एनी वाटर, और यह मुश्किल से ही पानी पीता है। सस्टेनिंग इट्स सेल्फ ऑन द मॉइस्चर इन द फूड, यह फूड में जो मॉइस्चर होता है उस पर ही जीवित रहता है। द रैपिड ईयर बैंडीकूट इज नॉट रिलेटेड टू द लार्ज रेट्स कॉल्ड बैंडीकूट फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले जो बड़े चूहे होते हैं जिनको हम बैंडीकूट कह देते हैं, यह बैंडीकूट उनसे बिल्कुल अलग होता है। राइट द ऑप्शन यू कंसिडर्ड द मोस्ट एप्रोप्रिएट, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से जो हमें एप्रोप्रिएट लगेगा सेंटेंस उस पर टिक करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैंडीकूट इज आल्सो नोन एज मार्सुपियल, रैपिड ईयर्ड, ग्राउंड ड्वेलर, बिल्बी। बैंडीकूट को और किस नाम से जाना जाता है, द आंसर इज बिल्बी। द बैंडीकूट रिसेम्बल्स, जो बैंडीकूट है वो किससे रिसेम्बल करता है, रैबिट से, मास्कोट से, कैंगरू से, अ लिजार्ड से। द आंसर इज अ कैंगरू, क्योंकि ये कैंगरू की तरह ही होपिंग करता है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी असिस्ट द बैंडीकूट इन द डिगिंग, बैंडीकूट की बॉडी का कौन सा पार्ट इसकी खोदने में मदद करता है, इट्स लॉन्ग पॉइंटेड हेड, द क्लॉज इन इट्स फोर फीट, इसके जो
अगले पैर होते हैं उनके पंजे। इट वेंचर्स आउट टू ईट वैन, और ये कब बाहर निकलता है खाने के लिए? द सन इज आउट, जब सूरज निकलता है। द कोस्ट इज क्लियर, जब तट बिल्कुल साफ होता है। इट गेट्स डार्क, जब रात हो जाती है। द आंसर इज सी। अनदर एनिमल विद द नेम बैंडिकूट इज, दूसरे एनिमल का नेम हमें देना है जिसका नाम बैंडिकूट है। द कैंगरू, द इंसेक्ट, द लिजर्ड, अ लार्ज इंडियन रैट। द आंसर इज अ लार्ज इंडियन रैट, जो हमने बिल्कुल लास्ट लाइन में पढ़ा था इस पैसेज की। सो द आंसर इज अ लार्ज इंडियन रैट, जिसे बैंडिकूट भारत में कहा जाता है। लेट्स रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पैसेज। वाई डू फ्लावर्स हैव फ्रेगरेंस, फूलों की खुशबू क्यों होती है? फ्लावर्स गेट देयर सेंट फ्रॉम ए मिक्सर ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, पौधों के द्वारा तैयार किया जाने वाला जो VOC यानी कि वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के मिक्सर से फूलों को खुशबू मिलती है। द फ्रेगरेंस इज ऑफन स्ट्रोंगेस्ट इन द पेटल्स, और जो ये खुशबू है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग किस में होती है? पेटल्स में, पंखुड़ियों में। डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज हैव डाइवर्सिटी ऑफ VOCs एंड नो टू फ्रेगरेंस आर द सेम, और जो विभिन्न प्रजाति वाले फूलों वाले पौधे होते हैं उनकी VOC यानी कि जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है उसमें विभिन्नता होती है। एंड नो टू फ्रेगरेंस आर द सेम, और कोई भी तो खुशबू समान नहीं होती। द पर्पज ऑफ सेंट इज टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, और इस सेंट का, इस खुशबू का उद्देश्य क्या होता है? पोलिनेटर्स यानी कि परागण को आकर्षित करना। रैपल हर्पीवोर्स, और जो शाकाहारी जंतु हैं उनको दूर करना। फ्लावर्स आल्सो यूज कलर एंड शेप टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, फूल हैं वो परागण को अट्रैक्ट करने के लिए अपने कलर और शेप का यूज करते हैं। द सेंट इज द स्ट्रोंगेस्ट व्हेन ए फ्लावर इज रेडी फॉर पोलिनेशन, और सेंट की जो ये खुशबू है वो सबसे ज़्यादा कब होती है? फूल की सबसे ज़्यादा खुशबू उसकी पोलिनेशन के समय होती है, जब वो परागण करता है। आ फूल ब्लूम्स स्मेल इज मोर पावरफुल देन ए बर्ड्स, और एक खिले हुए फूल की जो खुशबू है वो उसकी कली की खुशबू की अपेक्षा ज़्यादा होती है। स्ट्रोंगेस्ट एमिसंस आल्सो कंसाइंड विद द एक्टिव फेज ऑफ विजिटिंग पोलिनेटर्स, और जो सबसे ज़्यादा जो उत्सर्जन होता है इस खुशबू का वो कब होता है? जब वो परागण अपने सक्रिय फेज में होते हैं उसके मेल के दौरान सबसे ज़्यादा खुशबू होती है फूल की। प्लांट्स पोलिनेटेड बाय मोस, और जो प्लांट्स हैं वो पोलिनेटेड किसके द्वारा किए जाते हैं? मोस के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा। यूजुअली एमिट द मोस्ट फ्रेगरेंस इन द इवनिंग और नाइट, और जो ये पौधे हैं वो फ्रेगरेंस को यानी कि खुशबू को सबसे ज़्यादा कब छोड़ते हैं? इवनिंग में। जो प्लांट्स मोस के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं वो वाले पौधे वो इवनिंग में इस फ्रेगरेंस को ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, या फिर रात में। When moths are active, जब ये कीट पतंगे एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं। While plants pollinated by bees, जबकि वो पौधे जो मधुमक्खियों के द्वारा pollinated होते हैं, produce the most scent during the day, वो डे के दौरान ज़्यादा फ्रेगरेंस देते हैं। When bees are active, जब मधुमक्खी सक्रिय होती हैं। Now do the answers of these questions. Which part of a flower gives out the strongest fragrance? फूल का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा फ्रेगरेंस देता है? द आंसर इज पेटल। द पेटल ऑफ ए फ्लावर गिव्स आउट द स्ट्रोंगेस्ट फ्रेगरेंस। राइट द आंसर इन द ब्लैंक स्पेस। द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर गिव्स आउट द स्ट्रोंगेस्ट फ्रेगरेंस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट 3 थिंग्स डू फ्लावर्स यूज टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स।
पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो फ्लावर है, फूल है, वो कौन सी तीन चीजें करता है? द आंसर इज द फ्लावर एमिट मोस्ट फ्रेग्रेंस एंड यूज कलर्स एंड शेप टू अट्रैक्ट द पोलिनेटर्स। हमने इस पैसेज में ऊपर लास्ट लाइन में पढ़ा था, फ्लावर्स यूज कलर्स एंड शेप टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज द फ्लावर सेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट? फूल की सबसे ज्यादा खुशबू कब होती है? द आंसर इज द सेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हेन ए फ्लावर इज रेडी फॉर पोलिनेशन। जब फ्लावर है वो पोलिनेशन के लिए रेडी होता है तब जो खुशबू है फूल की वो सबसे ज्यादा होती है। विच प्लांट्स एमिट द मोस्ट फ्रेग्रेंस इन द मॉर्निंग एंड विच वंस इन द इवनिंग? कौन से पौधे सुबह के टाइम ज़्यादा फ्रेग्रेंस देते हैं और कौन से इवनिंग के टाइम? द आंसर इज प्लांट्स पोलिनेटेड बाय मोस। जो पौधे कीट पतंगों के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं वो एमिट करते हैं अपनी फ्रेग्रेंस को इन द इवनिंग, शाम को। एंड वाइल द प्लांट्स पोलिनेटेड बाय बीज, और जबकि वे पौधे जो मधुमक्खियों के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं वो किस टाइम सेंट को किस टाइम प्रोड्यूस करते हैं? ड्यूरिंग द डे। विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स द सेम एज वैरायटी? द वर्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स विभिन्नता, वैरायटी मीन्स द विभिन्नता। द आंसर इज डाइवर्सिटी। इट्स टाइम टू डू द नेक्स्ट टाइप, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। फ्लावर्स यूज देयर कलर टू रैपल हर्बीवोर्स। फ्लावर्स हैं वो कलर्स का यूज करते हैं हर्बीवोर्स यानी कि जो शाकाहारी जंतु हैं उनको दूर हटाने के लिए। दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो अपने कलर का यूज जो पोलिनेटर यानी कि परागण होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। नो टू स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स हैव द सेम फ्रेग्रेंस। किन्हीं भी दो जातियों की जो जाति दो जाति के फूल हैं उनकी फ्रेग्रेंस कभी भी सेम नहीं होती। दिस इज ट्रू। द स्मेल ऑफ ए फ्लावर इज मोर पावरफुल व्हेन इट इज ए बर्ड। जब फ्लावर की जो फूल है उसकी स्मेल सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है जब यह बर्ड होता है, कली होता है, देन की अपेक्षा व्हेन इट इज इन फूल ब्लूम, जब यह पूरी तरह खिलकर फूल बन जाता है। दिस इज फॉल्स, क्योंकि फूल की सबसे ज़्यादा खुशबू कब होती है? जब यह पूरी तरह से ब्लूम होता है, खिला हुआ होता है। वेल स्टूडेंट्स, राइट दिस आंसर्स इन द ब्लैंक स्पेस दैट इज गिवन। टूडेज वर्क इज टू डू द प्रैक्टिस असाइनमेंट 3। इट इज पेज नंबर 20। रीड दिस पैसेज योर सेल्फ एंड फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस अनसीन पैसेज। दैट इज योर टूडेज वर्क। थैंक यू।